जो आज का जो टॉपिक है वो है कोई भी किसी भी तरह के जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। और जब कोई भी किसी भी तरह के हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बढ़ा जाता है तो उसके लिए सबसे पहले अपन को ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। जब ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की अगर बात की जाए तो कोई भी किसी भी तरह का जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वो दो तरह की फॉर्म में होता है, या तो डिसॉल्व फॉर्म में हो या कोई भी किसी भी तरह के हीमोग्लोबिन के साथ बाउंड हो जाए। कोई भी किसी भी तरह की जो डिसॉल्व की फॉर्म में जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है वो 2% होता है। उसको मेजर करने के लिए एक हेनरी लॉ पढ़ा जाता है। और हेनरी लॉ क्या बोलता है, हेनरी लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि कोई भी किसी भी तरह का जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का, अगर उसको सॉल्युबिलिटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो एक 2% आ जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि बाउंड्स के फॉर्म में पढ़ते हैं, और बाउंड्स के फॉर्म में 98% पढ़ते हैं जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह के जो हीमोग्लोबिन्स हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो जब कोई भी किसी भी तरह का जो हीमोग्लोबिन्स है, एडल्ट का ही जो ये स्ट्रक्चर है, ये एडल्ट हीमोग्लोबिन्स है, इसके अंदर दो तरह के अल्फा यूनिट्स हो जाती है और दो तरह की बीटा सब यूनिट्स हो जाती है। कोई भी किसी भी तरह के जो हीमोग्लोबिन का जब स्ट्रक्चर पढ़ा जाता है तो उसके अंदर चार तरह के ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो जाते हैं जो चारों कॉर्नर पे दिखाए गए, और एक आयरन मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हो जाता है सेंटर के अंदर जो एक फेरस स्टेट में Fe+2 स्टेट में प्रेजेंट होता है। अपन ने जब यहाँ पे पढ़ा कि कोई भी किसी भी तरह का जो 25% सेचुरेशन है, यहाँ पे 50% सेचुरेशन है, यहाँ 75% सेचुरेशन है, यहाँ 100% सेचुरेशन है, किस तरह से हो जाता है उसके बारे में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर कोई भी किसी भी तरह का ये पोरफायरिन रिंग है बाहर की तरफ रेड कलर से जो शो कर रखी है, अगर कोई भी किसी भी तरह का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जैसे जैसे बढ़ाते हैं तो सेचुरेशन भी लगातार बढ़ता जाता है। जैसे अपन बात करें कि कोई भी किसी भी तरह का 50 अगर जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का अगर वो 25 mmHg हो जाए तो वो 50% सेचुरेशन वो हो जाता है। अगर मान लो 70 अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है अगर वो 40 mmHg हो जाए तो वहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है वो सेचुरेशन है जो हीमोग्लोबिन से वो 75% सेचुरेशन होगा। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 60 mmHg से ज़्यादा हो जाए, और ये जनरली हमारे लंग्स के कंडीशन के अंदर होती है, लंग्स के अंदर होता है, तो यहाँ पे जो 100% सेचुरेशन हो जाता है कोई भी किसी भी तरह के हीमोग्लोबिन्स का। जनरली अपन बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह के जो हीमोग्लोबिन्स होता क्या है, तो हीमोग्लोबिन्स है ये एक तरह का ग्लोबुलर चेन्स है, इसके अंदर एक अल्फ़ा यूनिट, बीटा यूनिट, गामा यूनिट और डेल्टा यूनिट्स जनरली पढ़ते हैं। यहाँ पे जो अल्फ़ा है वो अल्फ़ा को अपन ने रेड ब्लैक कलर से डिनोटेट किया। ब्लैक कलर से क्यों डिनोटेट किया, क्योंकि जो ज़्यादातर फॉर्म है हीमोग्लोबिन्स की उनके अंदर सबके अंदर जो अल्फ़ा है वो तो प्रेजेंट होता है। कि कोई भी किसी भी तरह का जो हीमोग्लोबिन्स है उसका जो स्ट्रक्चर है वो ग्लोबिन चेन है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा होती है उसके अंदर। अल्फ़ा को अपन जनरली ब्लैक कलर से इसलिए डिनोटेट करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि जो अल्फ़ा की जो हर फॉर्म है, जो हीमोग्लोबिन ए, हीमोग्लोबिन ए टू, हीमोग्लोबिन फेटस का हीमोग्लोबिन, उन सभी के अंदर अल्फ़ा प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको एक ब्लैक कलर से डिनोटेट करते हैं। हीम एक पोरफायरिन रिंग है जनरली, और जो सेंट्रली जो एक आयरन प्रेजेंट हो जाता है वो एक फेरस Fe+2 स्टेट में जनरली प्रेजेंट हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये एलोस्टेरिक पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है कैसे। अब जानते हैं कि पॉजिटिव इफेक्ट किस तरह से हो जाता है, तो अगर कोई भी किसी भी तरह का एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल से अगर उसकी वजह से उसका इफेक्ट अगर दूसरे मॉलिक्यूल्स पे पड़े, जिसकी वजह से उसको एलोस्टेरिक साइट्स बोला जाता है, अगर एक मॉलिक्यूल्स की वजह से उसका इफेक्ट दूसरे मॉलिक्यूल्स पे पड़े तो उसको एलोस्टेरिक साइट बोलते हैं। अगर ये पॉजिटिव इफेक्ट शो करता है तो पॉजिटिव एलोस्टेरिक इफेक्ट, अगर ये नेगेटिव इफेक्ट शो करता है तो नेगेटिव एलोस्टेरिक इफेक्ट। आगे जाके अपन पढ़ेंगे जब ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व पढ़ा जाता है तो वहाँ पे अपन नेगेटिव एलोस्टेरिक इफेक्ट पढ़ते हैं, आगे जाके डिस्क्रिप्शन करेंगे अपन। हीमोग्लोबिन्स के टाइप की अगर बात की जाए तो अडल्ट के अंदर जो हीमोग्लोबिन्स होता है उसके अंदर दो अल्फा यूनिट्स हो जाती है, दो बीटा यूनिट होती है, और ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 95% प्रेजेंट होता है। उसके बाद में जो हीमोग्लोबिन्स A2 है उसके अंदर दो अल्फा और दो डेल्टा फॉर्म प्रेजेंट हो जाती है, ये 2 से 3% होता है। जनरली ये है कि ये जो स्ट्रक्चर अपन ने शो किया ये दो अल्फा दो बीटा का है, अडल्ट हीमोग्लोबिन्स का है। अगर इसके अंदर ये अगर ये बीटा का है, अगर डेल्टा अगर प्रेजेंट हो जाएगी तो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। उसके बाद में फेटस हीमोग्लोबिन्स की अगर जबी भी अपन बात करते हैं तो कोई भी किसी भी तरह के दो अल्फा दो गामा यूनिट्स हो जाती, और अडल्ट्स की अगर बात की जाए तो less than 1% हो जाता है। अगर फेटस की बात की जाए तो फेटस के अंदर ये 95% से ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है यहाँ पे 40 mmHg होता है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर कोई भी किसी भी तरह का जो नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर जो आयरन है वो Fe+2 स्टेट में फेरस स्टेट में प्रेजेंट होती है।
अगर एफ ई प्लस थ्री स्टेट में प्रेजेंट हो जाए, फेरिक स्टेट में प्रेजेंट हो जाए एफ ई प्लस टू की तरह की जगह, तो वहाँ पे वो मेथ हीमोग्लोबिन बोलेंगे उसको। यहाँ पे आयरन से वो एफ ई प्लस टू स्टेट में नहीं रहती, एफ ई प्लस थ्री स्टेट में रहती है। एक ड्रग्स है जनरली, एक केमिकल से, एक अमाइनी नाइट्राइड्स वो है, ये क्या है कि कोज करता है मेथ हीमोग्लोबिन का। यह जनरली क्या कर देता है कि कोई भी किसी भी तरह का ये बहुत साइनेट पॉइजनस रिएक्शन करता है। कोई भी किसी भी तरह की क्या हो जाता है, पेशेंट होता है, उस पेशेंट के अंदर क्या होता है कि कोई भी किसी भी तरह के आयरन मॉलिक्यूल्स जो एफ ई प्लस टू स्टेट में प्रेजेंट होता है वो इसको रिमूव करता है और एक एफ ई प्लस थ्री स्टेट में कन्वर्ट कर देता है। दूसरी बात यह है कि ये जो मेथ हीमोग्लोबिन से, इसके अंदर जो ऑक्सीजन की एफिनिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, 210 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है नॉर्मल से। ये नुकसान तो करता है, बट क्या करे कि कोई भी पेशेंट के अंदर तो देना पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन की जो फॉर्म है वो ग्लोबिन चेन की फॉर्म में प्रेजेंट हो जाते हैं। दो तरह की फॉर्म में हो जाती है, एक टाउट्स फॉर्म में हो जाता है, एक रिलैक्स फॉर्म में हो जाता है। अगर टाउट्स फॉर्म में है तो टाउट्स फॉर्म में हमारे टिश्यू के अंदर जनरली प्रेजेंट हो जाता है। और इसके अंदर टाउट फॉर्म में का मतलब क्या है कि कोई भी किसी भी तरह का टाउट फॉर्म के अंदर जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाता है। और जब कोई भी किसी भी तरह का हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के साथ जब बाइंड हो जाता है तो वो जनरली हमारे टिश्यू के अंदर होता है और यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो जनरली रिलीज हो जाता है। तो ये क्या है कि जनरली एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो ये एक हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन के साथ बाउंड हो जाए तो यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स है ये बाहर रिलीज होने लग गए, तो ये टाउट फॉर्म है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिलैक्स फॉर्म। रिलैक्स फॉर्म जनरली लंग्स के अंदर होती है और इस रिलैक्स फॉर्म के अंदर ओनली सिंपल हीमोग्लोबिन प्रेजेंट हो जाता है और यहाँ पे मोर बाइंडिंग साइड से ऑक्सीजन की। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर रहे हैं उसका ग्राफ कुछ इस तरह का होता है। ये हीमोग्लोबिन सेचुरेशन ऑक्सीजन की परसेंटेज है, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है, ये 25%, ये 50%, ये 75%, ये 100%, ये 25, ये 40, ये 100, ये एक कितना हो गया 100 हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ये MMHg के अंदर होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जो 40 MMHg पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो टिश्यू के अंदर होता है जनरली। जो 100 के समसंग 104 होता है वो लंग्स के अंदर होता है जनरली। ये जो यहाँ पे तीन तरह की जो कर्व बनाए हैं, ग्रीन कलर से, ब्लैक कलर से, रेड कलर से, जो ब्लैक कलर से जो कर्व बनाया है ये नॉर्मली कर्व होता है जनरली, और ये कोई भी किसी भी तरह का सिग्मोइड कर्व हो जाता है। तो ये बताता है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है अगर वो 25% पे, यहाँ पे अगर बात की जाए 40 पे कितना है 75%, अगर 75% है तो वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का कितना 25% अनलोडिंग होगा। अगर मान लो कि कोई भी किसी भी तरह का इस वाले ग्राफ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 40 पे कितना है 25, तो यहाँ पे अनलोडिंग कितना होगा 75। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि P50 के बारे में बात करते हैं। P50 क्या बोलता है, P50 बोलता है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है अगर 50% सेचुरेशन हो जाए तो उसको P50 बोला जाता है जनरली। और अगर कोई भी किसी भी तरह की कंडीशन ऐसी हो जाए पेशेंट के अंदर या कोई भी किसी भी तरह के इंडिविजुअल के अंदर अगर CO2 का अमाउंट बढ़ जाता है, ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाएगी। अगर ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होगी हाइड्रोजन का अमाउंट भी बढ़ जाएगा, अगर हाइड्रोजन का अमाउंट बढ़ जाएगा तो पीएच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी पीएच। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं उस केस के अंदर कोई भी किसी भी तरह का जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, और जब राइट साइड शिफ्ट हो जाता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन की अफिनिटी हो जाती है और जनरली ये जो कंडीशन हो जाती है हमारे टिश्यू के अंदर हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन की अफिनिटी अगर बढ़ जाती है, मान लो जब ऑक्सीजन की अफिनिटी घट गई जब तो जो शिफ्ट है वो जो ग्राफ है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। बट अगर कंडीशन उल्टी हो गई, अगर ऑक्सीजन की अफिनिटी अब की बार ज़्यादा हो जाए तो अब की बार जो ग्राफ है वो थोड़ा लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो गया, तो ये रेड वाला कर्व है थोड़े लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाए। और ये जनरली अपन ने पढ़ा था पहले वाले वीडियो के अंदर कि कोई भी किसी भी तरह का जो अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसके कारण कोई भी किसी भी तरह का जो ग्राफ है राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, और जब कोई भी किसी भी तरह का राइट साइड ग्राफ शिफ्ट हो जाता है तो वहाँ पे एक बोर्स इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, और दूसरा इसके अपोजिट जो रिएक्शन काम करती है वो एक हार्डन इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में इसके अपोजिट जो रिएक्शन काम करती है वो कोई भी किसी भी तरह का लेफ्ट शिफ्ट की बात की जाएगी। यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट की अगर जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन भी कम हो रहा है, पीएच की अगर बात की जाए ज़्यादा होगी, अगर टेम्परेचर की बात की जाए वो कम होगी, अगर हीमोग्लोबिन की बात की जाएगी फीटस हीमोग्लोबिन के अंदर वो कम हो जाएगी, ये
एक तरह का इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ के। जबकि कोई भी किसी भी तरह का जब राइट साइड शिफ्ट हो जाता है तो वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह के हीमोग्लोबिन के बारे में किसी भी तरह की कोई चर्चा नहीं होती। उसके बाद में नेक्स्ट ये जो डायग्राम्स अपन देख रहे हैं यहाँ पे जनरली अपन बात करते हैं कि ये नॉर्मल कंडीशन है, ये कोई भी किसी भी तरह का जब राइट साइड शिफ्ट हुआ जब कंडीशन है। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का लंग्स है और उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का लंग्स है उसकी परसेंटेज ऑफ सेचुरेशन है। ये टिश्यू है, यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। ये टिश्यू के अंदर सेचुरेशन प्रेशर है वो उसके बारे में बात की जाएगी। नॉर्मल कंडीशन की अगर बात की जाए तो कोई भी किसी भी तरह का जो लंग्स के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और जो राइट शिफ्ट हो जाता है वो दोनों सेम होता है। लंग्स के अंदर परसेंटेज की अगर बात की जाए सेचुरेशन की तो वो भी सेम होती है। अपन ने अभी कहा था कि जो सेचुरेशन के अंदर जो शिफ्ट हो जाता है, जो चीज़ें आती है वो कहाँ पे आती है, ओनली टिश्यू के अंदर। बाकी अगर लंग्स की अगर बात की जाए तो लंग्स के अंदर चाहे राइट साइड शिफ्ट हो चाहे नॉर्मल कंडीशन हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कंडीशन होती है वो सिमिलर होती है। तो यहाँ पे जो टिश्यू की अगर जब भी बात की जाए तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल कंडीशन में 40 है, अगर जब राइट साइड शिफ्ट हुआ जब भी 40 होगा। अगर कोई भी किसी भी तरह के टिश्यू सेचुरेशन की अगर बात की जाए यहाँ 75 mmHg की अगर बात की जाएगी 75% है। अगर 75% पे कितना 50% यहाँ पे ये 50% क्या हो रहा है, सेचुरेशन हो रहा है क्या? ये सिर्फ 50% सेचुरेशन होगा तो ये जो सारी की सारी कंडीशन है या कोई भी किसी भी तरह के ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के बारे में बात करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कॉजेज के बारे में बात करते हैं। जब कॉजेज के अगर बारे में जब भी बात करते हैं तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। आर का मतलब है कि राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, तो जब राइट साइड शिफ्ट हो रहा है तो वहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होगा। अगर ऑक्सीजन रिलीज होगा तो CO2 बढ़ेगा। अगर CO2 बढ़ेगा तो कोई भी किसी भी तरह का जो 2,3-DPG है, डाइफॉस्फोग्लिसराइड है, अगर उसका अमाउंट कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा, अगर उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा जिसके कारण कोई भी किसी भी तरह के जो हाइड्रोजन आयंस हैं अगर वो बढ़ता है, अगर हाइड्रोजन आयंस अगर बढ़ता है तो pH क्या घटेगी। अगर उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं टेम्परेचर भी बढ़ता है और टाउट फॉर्म में हीमोग्लोबिन बाउंड हो जाता है। टाउट फॉर्म हीमोग्लोबिन के मतलब क्या है कि कोई भी किसी भी तरह का जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ बाउंड होगा। अगर सिंपल तरीके से अगर बात की जाए तो कोई भी किसी भी तरह का CO2 मॉलिक्यूल्स होगा, जब CO2 मॉलिक्यूल्स है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करता है H2O3 कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। वो कार्बोनिक एसिड कोई भी किसी भी तरह का H पॉजिटिव आयंस SCO3 माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे जो H पॉजिटिव आयंस बढ़ता है तो pH क्या हो जाती है, घट हो जाती है। तो जो सारा का सारा प्रोसेस होता है इस रिएक्शन, अगर ये याद है अपन को तो पूरा का पूरा प्रोसेस अपन देख सकते हैं कि जनरली अपन क्या करते हैं कि जो CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, pH कम हो रही है, मेटाबॉलिक कंडीशन होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये जो सारी की सारी कंडीशन है ये कब होगी, जब जो कर्व है हमारा वो राइट साइड शिफ्ट होगा। और इससे पहले अपन ऊपर पढ़ा था वहां पे कर्व लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा था। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह के 2,3-DPG के बारे में बात करते हैं या BPG के बारे में बात करते हैं। ये जनरली हमारे RBC के अंदर प्रेजेंट हो जाता है। कैसे काम करता है उसके बारे में सबसे पहले अपन ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 10 तरह के स्टेप होते हैं। जनरली ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज से स्टार्ट हो जाता है। कोई भी किसी भी तरह का 1,3-BPG बाई फॉस्फोग्लिसराइड का फॉर्मेशन हो जाता है। जब 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसराइड 2,3-BPG के अंदर कन्वर्ट होगा तो वो एक BPG म्यूटेज के प्रेजेंस में रिएक्शन हो जाती है। और जब कोई भी किसी भी तरह का 1,3-BPG है वो एक पाइरुवेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। और पाइरुवेट्स में कन्वर्ट हो जाने के बाद दो तरह की कंडीशन हो जाती है। या तो कोई भी किसी भी तरह की रिएक्शन ऑक्सीजन, अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन होगा तब रिएक्शन होगी, तब तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का फॉर्मेशन होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कर लेगा। और जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो जाती है तो उसके अंदर कोई भी किसी भी तरह के जो मॉलिक्यूल्स होता है उसके अंदर 30 से 32 तरह की ATP एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। और जनरली ये वाली जो कंडीशन हो जाती है वो एरोबिक कंडीशन हो जाती है। सेकेंड कंडीशन के बारे में जब बात करता हूँ तो कोई भी किसी भी तरह का पाइरुवेट कंडीशन है अगर उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा तो RBC का फॉर्मेशन होगा, RBC का फॉर्मेशन होगा, एनारोबिक कंडीशन होगी, एनारोबिक कंडीशन होगी तो वहां पे कोई भी किसी भी तरह का दो तरह के ATP का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि ज्यादातर बुक्स के अंदर बात करते हैं कि दो तरह के पॉइंट्स लिखे होते हैं। सबसे पहला पॉइंट्स ये लिखा होता है कि कोई भी किसी भी तरह का ये एक डाइवर्ट स्टेट 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसराइड में डाइवर्ट करता देता है। सेकेंड कंडीशन है कि RBC है वो सेक्रीफाइड हो जाती है, देर ATP का प्रोडक्शन हो जाता है। यहाँ पे जो सेक्रीफाइड्स है इसका मतलब समझते हैं किस तरह से इसका मतलब है। अगर कोई भी किसी भी तरह के पेशेंट है, अगर कोई भी किसी भी तरह का इंडिविजुअल है, अगर उसके अंदर हाइपोक्सिया कंडीशन है, हाइपोक्सिया कंडीशन का मतलब है कि उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होगी। अगर ऑक्सीजन की कमी होगी CO2 का अमाउंट ज़्यादा होगा उसके लंग्स के अंदर। जब उसके लंग्स के अंदर CO2 का अमाउंट ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, हाइपोक्सिया पेशेंट के अंदर क्या करते हैं अपन की RBC का प्रोडक्शन अपन रोक देते हैं। और जब RBC का प्रोडक्शन नहीं होता मतलब वो ATP एनर्जी को ब्रेक डाउन यहाँ पे रोकना पड़ेगा। और जब एनर्जी को रोकना पड़ेगा तो उसके बाद में ये जो ये कर्व
है ये 1,3-BPG है, इसको डाइवर्ट करना पड़ेगा। और जब इसको डाइवर्ट करना पड़ेगा मतलब 2,3-BPG का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, और 2,3-BPG का जब फॉर्मेशन होगा वो किसके प्रेजेंस में होगा, वो BPG मोटेज के प्रेजेंस में होगा। उसके बाद में नेक्स्ट अपन फाइनल कंडीशन के बारे में बात करते हैं कि अगर कोई भी किसी भी तरह का जो 2,3-BPG की अगर बात की जाएगी, क्रोनिक हाइपोक्सिया कंडीशन की बात की जाती है, उसको तीन तरह की कंडीशन हो सकती है, या तो कोई भी किसी भी तरह के COPD कंडीशन की बात की, या कोई भी किसी भी तरह का क्रोनिक एनीमिया के कंडीशन के बारे में बात की जाए, या कोई भी किसी भी तरह के हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं। तो COPD अगर कोई भी किसी भी तरह का क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गया पेशेंट के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर भी जनरली हो सकती है ये कंडीशन। सेकेंड एनीमिया कंडीशन हो जाता है, अगर कोई भी किसी भी तरह का RBC का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर भी हो जाता है। कोई भी किसी भी तरह के हाई एल्टीट्यूड्स के बारे में बात करते हैं, जब कोई भी किसी भी तरह के अपन हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो वहाँ पे जनरली अपन देखते हैं कि कोई भी किसी भी तरह की ऑक्सीजन की कमी आ जाएगी। ऑक्सीजन की कमी आई CO2 का अमाउंट्स बढ़ जाता है, और जब CO2 का अमाउंट्स बढ़ जाता है RBC का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और जो RBC क्या करेगी, कोई भी किसी भी तरह के जो 2,3-DPG है उसका फॉर्मेशन बाय फॉस्फोग्लिसरॉल डाइफॉस्फोग्लिसरॉल उसका अमाउंट कंसंट्रेशन जनरली बढ़ा देगी, और जब उसका कंसंट्रेशन बढ़ा देगी, उसका कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, इसलिए वो कुछ टाइम्स होता है कि 42 आवर्स 24 आवर्स उसके बाद में जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये जो सारी की सारी अपन ने कंडीशन पड़ी, ये कोई भी किसी भी तरह के ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के अंदर जनरली पढ़ते हैं अपन, और उसके लिए अपन को ऑक्सीजन के बारे में बात करना पड़ता है। थैंक यू।